शिवानंद बाबा से ना पूछिएगा जी, वो तो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी में मेरा कोई सुन ही नहीं। तो भैया तो दोनों आदमी से पूछिए, वो रघुवंश बाबू से पूछिए ना, वो गार्जियन है, बुजुर्ग है। उन्होंने कहा लड़ने गोली खाने के लिए, संघर्ष करने के लिए ये लोग पैदा नहीं हुए हैं, सोना के चम्मच हुए हैं, दूध पी करके ओथ लेने के लिए पैदा हुए हैं। लड़ने गोली खाने के लिए, संघर्ष करने के लिए ये लोग पैदा नहीं हुए हैं, सोना के चम्मच हुए हैं, दूध पी करके ओथ लेने के लिए पैदा हुए हैं। आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। तो अब क्या सर, अब क्या सॉल्यूशन मिलेगा आपके तीसरे जो थर्ड फ्रंट की कवायद आपने शुरू की है? एक बड़ा अल्पसंख्यक का हुजूम आपके साथ युवाओं का आया है। आप तो पहले कहे कि युवा को तोड़ते हैं, युवा को कौन तोड़ सकता है? युवा आइकॉन है, वह निर्माण कर सकता है, उनकी ऊर्जा बेहतर है, लेकिन दिग्भ्रमित है ना। मैंने इसलिए कहा कि सर कहीं ना कहीं आरजेडी अपने आप को MY समीकरण का मास्टर कहता है। नहीं भैया, कोई MY समीकरण, ऐसी समीकरण से देश नहीं चलते। सोशल इंजीनियरिंग तो सब कर रहा है, कहीं भाजपा प्रिया पटेल से गठबंधन कर रही है, कहीं AIDMK से कर रही है, कहीं शिवसेना से कर रही है, पूरे देश में तो भाजपा कर ही दिए गठबंधन, यहाँ नीतीश कुमार जी से आप कर रहे हैं, कर तो रही आप। हम तो उम्मीद करते ही हैं, हम तीसरे, हम चाहते हैं कि बिहार और बिहारी की सुरक्षा, उसकी जो संस्कृति थी, उसकी जो एजुकेशन हुई थी, जीने की जो ताकत थी, सबसे ज़्यादा दुनिया के गरीब में हम हो गए, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार हो गया, सबसे ज़्यादा बाढ़ और सुखाड़ से बर्बादी हमारी हो गई, सबसे ज़्यादा बीमारी और निरक्षरता हमारे लिए, तो बिहार का निर्माण होगा ना जी? जी तो हम तो चाहते हैं एक अच्छा धारा, 30 सालों में जिस प्रदेश में एक स्कूल का निर्माण नहीं हुआ, जहाँ मिडिल क्लास के बच्चे वहाँ जाके हाई स्कूल में पढ़ने की बात छोड़ दीजिए, टीचर नहीं होता है, एक अस्पताल नहीं बना जहाँ अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI हो, टेक्नीशियन हो, खुद उन्होंने एफिडेविट दिया, क्या बना आप बताइएगा ना। तो लगता है अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बना लेंगे। रघुवंश बाबू कह रहे हैं कि आते ही शपथ लेने वाले हैं। वो रघुवंश बाबू से पूछिए ना, वो गार्जियन है, बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा लड़ने गोली खाने के लिए, संघर्ष करने के लिए ये लोग पैदा नहीं हुए हैं, ये लोग सोना के चम्मच हुए हैं, दूध पी करके ओथ लेने के लिए पैदा हुए हैं। तो उनसे ना पूछिएगा, शिवानंद बाबा से ना पूछिएगा जी, वो तो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी में मेरा कोई सुन ही नहीं। तो भैया तो दोनों आदमी से पूछिए, कायल है आप हैं भैया, जब कुछ सुन नहीं रहा है। हम तो चाहते हैं शिवानंद बाबा, रघुवंश बाबू, माझी जी, कन्हैया जी, सब मिल करके बिहार का निर्माण करें, और 27% जो एक बड़ा वर्ग है जिसकी चिंता बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के काशीराम और देश के सभी लोग करते हैं, लेकिन इस्तेमाल उनका होता है। तो इसको कहीं ना कहीं आपका आगे आवे और सभी लोग मिल करके मदद करें, कहीं ना कहीं आपका आमंत्रण मान ले कि शिवानंद तिवारी, रघुवंश बाबू, ये सब बाबा वो रो रहे हैं। अब वो बहुतों का निर्माण किया उन्होंने, सही परसेप्शन के बारे में तो उन्होंने सही कहा, नीतीश कुमार के बारे में हम ये बात पहले भी कह चुके हैं, पॉलिटिकल एक्ट नीतीश कुमार तो करता ही, परसेप्शन को बाजार में बेहतर तरीके से बेचना जानता है। जो जीता सो सिकंदर, पासिंग पाउडर निर्मा, चश्मा गोला लाइफ होगा, तो उन्होंने सही बात कही। अब रोने से काम तो चलेगा नहीं, हम तो चाहेंगे रघुवंश बाबू, शिवानंद बाबू ये लोग खाद बने बाबू वीर कुमार सिंह की तरह, उठे और निकले, BP सिंह, कर्पूरी ठाकुर, JP लोहिया, जॉर्ज, ऐसे लोग बने ना। कब तक मोह ममता लोभ में रहिएगा? पप्पू यादव जी का समर्थन मिलेगा भैया? मेरा समर्थन के, हम तो उन लोगों के आशीर्वाद के लिए चाहते हैं बिहार को आशीर्वाद मिले, बिहार के निर्माण में उन लोगों की भागीदारी हो, खाद बने, कुर्बानी हो। सारा फूका हुआ कारतूस ही क्यों फोड़ रहे हैं? फूका हुआ कारतूस, ये सब लोग जो इधर से उधर चला गया, टोटल कांग्रेसी BJP में MP MLA बन गए, तो ठीक
सब कांग्रेसी को आप खरीद रहे हैं, ला रहे हैं कर्नाटक में, गोवा में, वो ठीक। दो दिन पहले तक माझी जी के लिए बाप बाप, वो ठीक। ये लोग फूका हुआ कारतूस है, ये लोग बारूद है, बारूद। अपनी पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा है भैया, हम तो चाहते हैं रघुवंश बाबू को पहचान की और पूछ की जरूरत नहीं है। शिवानंद तिवारी, शिवानंद तिवारी बाबा हैं, उनको तो सब जगह फिट हो जाते हैं, उनको उनको भैया नमक के बगैर। अब किससे कौन घिरे रहते हैं मुझको नहीं पता, हम किसी के बारे में फालतू नहीं कह, वो बीजेपी से पता कर लीजिए उन लोगों के बारे में, और जो बेचारी एक दूसरे घर की बेटी है उससे पता कर लीजिए, पता चल जाएगा उस घर का संस्कार कि उस घर को क्या यादव की बेटी नहीं है क्या, वो भी मुख्यमंत्री की पोती। अगाली गलोज आप करते हैं, ऐसे लोगों को तो समाज में घर में ढुकने नहीं देना चाहिए। तो बीजेपी से पूछिए ना क्या चल रहा है, हमसे क्या क्या सब चीज़ पूछ रहे हैं, हम तो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।